फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साउथ स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का फैंस बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की दीवानगी लोगों में इस कदर देखने को मिल रही है कि इसके टीजर ने रिलीज होते ही धूम मचानी शुरू कर दी है। फिल्म के पहले पार्ट ने लोगों के दिलों में इस कदर जगह बनाई थी कि केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, लोगों ने एक बड़ा ही रिकॉर्ड बना दिया। एक क्या, अब तो बार बार ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ती ही जा रही है। दरअसल फिल्म के टीजर ने अब एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जारी हुए इस फिल्म के टीजर ने 24 घंटे के अंदर ही 78 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं और हर मिनट ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जल्द ही 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा भी पार हो जाएगा, ये अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि यश ने व्यूज के मामले में प्रभास, सलमान और रणबीर कपूर को भी पछाड़ दिया है। दरअसल इससे पहले प्रभास की साहो को इतने ही वक्त में 22 मिलियन व्यूज मिले थे, जबकि भारत को 21.8 मिलियन, मास्टर को 19.4 मिलियन और संजू को 18.1 मिलियन व्यूज मिले थे। इस हिसाब से देखा जाए तो यश की केजीएफ चैप्टर 2 ने बड़े मार्जिन से इन स्टार्स की फिल्मों के टीजर को मात देकर बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी केजीएफ चैप्टर 2 में यश के साथ श्रीनिधि शेट्टी, प्रकाश राज और मालविका अविनाश जैसे स्टार्स भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे। वहीं खास बात यह भी है कि पार्ट 2 में संजय दत्त और रवीना टंडन की मौजूदगी फिल्म को खास बना रही है। फिल्म में रवीना एक पॉलिटिशियन के रोल में दिखेंगी तो संजय दत्त अधीरा के रोल में नजर आएंगे, जो कि फिल्म का मेन विलन है। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने घोषणा की थी कि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर 8 जनवरी को यश के बर्थडे पर जारी किया जाएगा, लेकिन यश के फैंस की दीवानगी को देखते हुए उनके बर्थडे से एक दिन पहले यानी कि 7 जनवरी की रात को इस फिल्म का टीजर आउट कर दिया गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ही इस बात की जानकारी दी थी। बताते चले कि यश की इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, जल्द ही इसे लेकर भी बड़ी अनाउंसमेंट होगी। फिलहाल तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको केजीएफ चैप्टर 2 का टीजर कैसा लगा।